नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है ड्रुपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की, जिसमें अभी तक हम लोग ने पिछले कुछ वीडियोस में प्रोडक्ट सेटअप किए हैं और पेमेंट गेटवे भी सेटअप किया हुआ है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे कि अपने ड्रुपल की अगर कॉमर्स की वेबसाइट है तो टैक्सेस तो ज़रूर होंगे दोस्तों। तो टैक्स कैसे अपनी वेबसाइट में कैसे हम कन्फिगर करते हैं, कैसे सेट करते हैं, उस वो देखेंगे। तो दोस्तों, टैक्स के एग्जांपल में हम लोग दो टैक्स लेके चलेंगे, एक हमारा वैट जो लगता है और एक हमारा लगता है सेल्स टैक्स। ठीक है, तो ये दो टैक्स हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आइए कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टैक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्टोर पे जाना पड़ेगा, और स्टोर पे जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद टैक्स ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये टैक्स आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो टैक्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप ऐड टैक्स पे आप टैक्स रेट पे आप पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको वो फिल करना है जो आपका टेक्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं जो जिस टाइप्स का है, या जिससे कि हेल्प मिल सके। ठीक है, वैसे वैल्यू एडेड टैक्स होता है ये। ठीक है, और इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। और जो टैक्स रेट जो हम रखेंगे दोस्तों, वो हम लोग रखेंगे 0.1। ठीक है, 0.1 रेट रखेंगे। ठीक है, और जो टैक्स वो रहेगा, वो टाइप जो रहेगा वो हमारा वैट रहेगा। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं दोस्तों। सेव करने के बाद अब हम लोग को जाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट पे। ठीक है, प्रोडक्ट पे जब जाएंगे तो हम किसी एक प्रोडक्ट को एडिट करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग इंक्लूडिंग, यहाँ पर जो इंक्लूडिंग जो टेक्स्ट है उसको हम लोग कर देंगे इंक्लूडिंग वैट। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कोई और चूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें इमेज नहीं था तो वो शायद नहीं शो करेगी। हम लोग किसी और में एडिट करते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडिडास का मेन शूज का। ठीक है, तो इसको हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूडिंग वैट वैट। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, अब जिसको हम लोग ने किया था इंक्लूडिंग वैट, उसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार देख लेते हैं कि ये वही है क्या। एक बार एक काम करते हैं, इजी तरीके से इसको हम लोग यहाँ आते हैं इस प्रोडक्ट के लिए और इंक्लूडिंग वैट कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम, तो हम लोगों ने इसको इंक्लूडिंग वैट कर दिया। ठीक है, अब इसको इंक्लूडिंग वैट कर दिया, हम लोग रिफ्रेश करते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, योर कार्ट। अब ऐड टू कार्ट करने के बाद हम लोग इसको चेकआउट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपने चेकआउट पर क्लिक किया तो एक वैट इंक्लूडिंग आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो जो प्राइस था उसका वो वही था और इंक्लूडिंग वैट, तो इंक्लूडिंग यहाँ ये जो वैट जो टैक्स लग गया हमारे यहाँ पर, वो यहाँ पर हम शो करा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितना वैट लग चुका है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था कि हम कैसे अपनी प्रोडक्ट्स में वैट टैक्स जो होता है वो ऐड करें। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग सेल टैक्स का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधा टैक्स पे और ऐड करते हैं सेल्स टैक्स। ठीक है, तो सेल्स टैक्स। ठीक है, और डिस्प्ले भी हम लोग वही करा देंगे सेल टैक्स। ठीक है, यहाँ भी लगा सकते हैं आप, कुछ एग्जांपल में लिख सकते हैं यू विश टू लेवी, या
और कुछ भी आप जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप यही टाइप करें, ठीक है। ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप जो डिस्क्रिप्शन डालना चाहें। उसके बाद हम लोग यहाँ सेट करेंगे रेट, ठीक है। जो आपका रेट आप सेल्स टैक्स जो आपका रेट देता है, हम लोग यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वही सेट करेंगे, जो हमारा रहेगा 0.05, ठीक है। 0.05 हम लोग सेल्स टैक्स रखेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अब जब हम लोग चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मतलब ये पेज उसी पे आ गया, तो ये दिख गया आपको। वैसे आप फिर से अगर इसको बैक करके देखेंगे तो कैंसिल करते हैं और फिर चेकआउट कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं आप, बाय चांस को रिमूव कर देते हैं। हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, वहाँ हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं। अब इसमें वैट तो नहीं लगाओ क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट पे वैट नहीं दिया इंक्लूडिंग वैट, ठीक है। तो आ रहा है फिर भी कोई बात नहीं। तो ये हमारा सेल्स टैक्स यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो अभी वैट लगा है तो उसका ये रीज़न ये है कि जब हम लोग कार्ट पे जाते हैं अपने, वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा, ठीक है। ये देखिए जो ये 18 पॉइंट कुछ डॉलर का है, तो उसमें जो टैक्स वैट जो टैक्स लगा है वो इंक्लूड नहीं है। वो जो हमने सेट किया था टैक्स रेट वो तो लगा ही, और उसके बाद हमारा सेल्स टैक्स भी यहाँ पर सेल्स टैक्स हमारा लग चुका है, ठीक है। 0 पॉइंट जितना भी हमने भरा था, 0.05 समथिंग भरा था। तो ये हमारे दो टाइप के टैक्स जो स्टैंडर्ड जो लगते ही लगते हैं, सेल्स टैक्स वैट टैक्स लगते ही लगता है। तो ये दोस्तों था सिंपल सा कि हम अपने वेबसाइट में, कॉमर्स की वेबसाइट में, ड्रूपल कॉमर्स की वेबसाइट्स में किस तरीके से टैक्सेस का कॉन्फ़िगरेशन या उनका सेटअप करें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।